Start your computations. Good morning, guys. Welcome back to my vlog. For those who are new here, hi, my name is Vanshika, and please take a moment and subscribe to my channel. So yeah, another day and another vlog. So I just took a shower and my hair has dried a little. So मैं अब स्किन केयर करने वाली थी तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों के साथ ही कर लूँ. So स्किन केयर टाइम. सबसे पहले आई बी यूजिंग द रिवाइटल लिफ्ट सेरम, माई गो टू. सबसे फर्स्ट स्टेप मेरा यही होता है. या आप लोग बहुत लोग पूछ भी रहे थे मेरा स्किन केयर रेजीम, राइट? सो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से शेयर करूँ. तो ये मॉर्निंग स्किन केयर मैं अभी शेयर करूँगी. या गोइंग इन विथ माई सेरम, गोइंग टू पैक इट लाइक दिस. ओके, आई एम गोइंग टू लेट दैट सिट ऑन माई स्किन एंड वेट फॉर इट टू गेट अब्सॉर्ब्ड. सो ओके, वंस द सेरम गेट्स अब्सॉर्ब्ड इन टू माई स्किन, आई एम गोइंग इन विथ माई सेटाफिल मॉइस्चराइजर. थोड़ा सा, नॉट थोड़ा सा, आई एम टेकिंग अ जेनरस अमाउंट. काफ़ी थिक है ये मॉइस्चराइजर, बट एट द सेम टाइम नॉन ग्रीसी भी है. थिक है बट नॉन ग्रीसी भी है. सो जस्ट गोइंग टू मेरा अच्छे से, मैं कोई एक्स्ट्रा अंडर आई क्रीम वगैरह नहीं यूज़ करती हूँ. मेरी मॉइस्चराइजर है ना, मैं उसी को अच्छे से अंडर आई के नीचे उसे ऐसे मसाज कर लेती हूँ. डन, मॉइस्चराइजिंग इज डन एंड दैट्स इट. लास्ट स्टेप सनस्क्रीन. तो इतना ही सिंपल है मेरा स्किन केयर रूटीन. आप लोग मुझे इतना टाइम से पूछ रहे थे क्या करती हो. दैट्स इट. इतना ही है मेरा सनस्क्रीन नहीं, इतना ही है मेरा स्किन केयर रूटीन. ठीक है, सो आई एम गोइंग इन विद माय सनस्क्रीन नाउ एंड दैट्स इट, डन. माय मॉर्निंग स्किन केयर इज डन एंड सो गाइस, आज भी बहुत सारा काम है मुझे. ठीक है, लाइक आज एक्चुअली बहुत सारा काम है. आज मेरे क्लासेस नहीं है तो आई हैव अ ऑफ डे एंड आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू. सबसे पहले तो आई एम गोइंग टू शूट टुडे फॉर दिस ब्रांड कॉल्ड पिलग्रिम एंड आई एम गोइंग टू शूट अ वीडियो फॉर देम. देन आई हैव टू अरेंज माई वॉर्ड्रॉप बिकॉज कब तक मैं सूटकेस से डायरेक्ट कपड़े निकालूंगी यार, मुझे उसे कबर्ड में डालना पड़ेगा. सो आई एम गोइंग टू डू दैट एंड आफ्टर दैट आई हैव टू वॉश माई ब्रशेज, मेकअप ब्रशेज एंड माई स्पंजेस बिकॉज आई हैव अ मेकअप अपॉइंटमेंट टुमारो. एंड या अभी तक तो वही है, शाम को जिम भी जाना होगा. तो इट्स गोइंग टू बी अ प्रिटी यू नो बिजी डे. सो आई विल टेक यू गाइज विथ मी एंड शो यू गाइज व्हाट आर द थिंग्स आई एम गोइंग टू डू टुडे. सो स्टे ट्यून्ड. हेलो गाइस, सो अभी मैं यू नो मेकअप कर रही थी अपना बिकॉज आई हैव टू शूट. सो जस्ट यू नो डूइंग द लास्ट टच अप, सेटिंग माय अंडर आईज. आई एम गोइंग टू कीप इट लाइक वेरी सिंपल बिकॉज स्किन केयर का वीडियो है, आई शुडंट बी डूइंग मच. And instructions bhi hai that it has to be a no makeup makeup kind of look. So yeah, mujhe na apne brows banane ki bhi zarurat hai. I have to shape them because maine bahut din se kiya nahi hai and it's looking horrible. अब मैं एक विंग ड्रॉ करूंगी मार्स का आईलाइनर पेन से. आई हैव बीन लविंग दिस वन रिसेंटली. सो सो मैंने विंग तो बना लिया है, अब लास्ट में बस लिपस्टिक एंड देन आई विल बी डन. जस्ट मस्कारा यूज कर रही हूँ मैं. मस्कारा इज डन, अब मैं लिपस्टिक लगाऊंगी. I'll be using a very 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 matte lipstick in a very beautiful nude color because no makeup makeup look hai. So yeah, I'll be using this one from Inside Cosmetics.
This is in the shade Top Notch. Makeup हो गया है done और अब मैं बस फटाफट spray कर लेती हूँ. That's it. Let it dry. Let this dry and मैं फटाफट you know change करके आके shoot करती हूँ. Hello! So I just got done with shooting for the brand and now I have to quickly edit because मैंने कहा था कि मेरी deadline cross हो चुकी है. So I'll go and I will quickly edit this video. Not this video, I mean the one I just shot. And मुझे उसको approval के लिए भी भेजना है. It's a whole other task. So yeah, I'll see you guys after some time. Guys, so I just woke up after my afternoon slash evening nap. I mean, मैं जब भी lunch में rice खाती हूँ ना, I just sleep a lot after that. And I know that's not a healthy habit, but then I have to, you know, try and get some, like, I don't know. I have to solve this issue. I slept with my makeup on, and I wake up and I realize that my makeup hasn't budged. I mean, the blush is in its place. The wing is still great. Lipstick is also there and yeah. Don't judge this. I mean, desi ghar mein hu yaar. Kya expect karte ho? Desi household mein aisa hi hota hai. I mean, jahan jagah mile kapde dal do sukhane ke liye yaar. And aap logo se kya chhipana ab, theek hai? So, wahi mujhe ab jaane hain. Main ab jaake brushes dhoungi because I already woke up late. And yeah, I have to go and wash my brushes because I need them all tomorrow morning. Like, not morning, yeah, evening. Kal sham ko mujhe sare brushes chahiye. So yeah, I'll show you guys how I wash my brushes. And dekhna main kaise dhoti hu yaar aur kya. निशान है, मैं इस चैनल पे नया हूँ क्योंकि ये मेरी दीदी का चैनल है. मैं फर्स्ट टाइम व्लॉगिंग कर रहा हूँ. तो गाइस देखिए, यहाँ पर दीदी अपना ये जो मेकअप का जो है उसे साफ कर रही है. मतलब उसे दीदी ने धोया था, अभी उसे सुखाने के लिए रख रही है. गाइस यहाँ पर बैकग्राउंड नॉइस को आप लोग इग्नोर मारिए क्योंकि वो आता ही रहता है सबके घर पे. देसी हाउसहोल्ड. यस गाइस, देसी हाउसहोल्ड. तो गाइस मैंने यहाँ पे ब्रशेस धो के सुखा लिए हैं. मैं मतलब सुखाने के लिए रखा है मैंने. सो या दिस टास्क इज आल्सो डन. आई मीन आई फील गुड बिकॉज मैंने आज बहुत सारा काम किया है एंड आई फिनिश सो मेनी थिंग्स जो मेरे लिस्ट पे पेंडिंग था. बस एक चीज नहीं कर पाई, वो है मेरे कबर्ड को सेटल करना. आई डोंट नो वो कब होगा, बट कल तो क्लासेस है. आई डोंट नो कल होगा कि नहीं, एंड कल आई हैव अ बिजी डे टू. सो लेट्स सी. फिलहाल जो इम्पॉर्टेंट काम है वो तो मैंने कर लिया है एंड आई फील रियली गुड. नाउ आई एम क्विकली गोना टेक ऑफ दिस मेकअप एंड मेरे को जिम जाना है. तो या आई विल सी यू गाइस लेटर. हाय गाइस, जस्ट गॉट डन विद माय वर्कआउट एंड नाउ आई एम गोइंग टू गो होम, चेंज एंड जस्ट पास आउट बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड. एंड या दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग. आई एम गोइंग टू सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.